नमस्कार बंधुरा कैरियर डट कम यूट्यूब चैनल पक्ष तुम्हारे जाना अनेक अभिनंदन बंधुरा चाकर संक्रांत लेटेस्ट एक आपडेट नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित होती तो तुम्हारा देखते बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स बीएसएफ ऑफिशियल वेबसाइटे आज तो बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स पक्ष के चाकर संक्रांत लेटेस्ट एक आपडेट उठे आसे जेखने बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स कन्स्टेबल और विभिन्न पोस्टे नियोग तुम्हारा माध्यमिक पास विभिन्न शिक्षागत योग्यत क्योंकि एप्लीकेशन करते क्यों एप्लीकेशन कर कब शुरू हो विस्तारित तथ्य कौन पोस्टे नियोग करना हे सब ही क्योंकि आज के भिडियोर माध्यम तुम्हारे बोलते चले प्रथम के शेष पर्त देखार चेषा करो और चाकरी संक्रांत लेटेस्ट आपडेटगुली पे अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर रखे तो चलो बंधुरा शुरू करा जा आजकल भिडियो तो बंधुरा ऑफिशियल विज्ञप्ति तुम्हारे सामने तुले धरे एखे तुम्हारा देखते ही पाच मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स तो बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स पक्ष के क्योंकि चाकरी संक्रांत विज्ञप्ति प्रकाश कर एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स क्योंकि मेन्शन करा ऐले मे उभय आवेदन करते इंडियन सिटीजन हुए आवेदन योग्य एरपर देखा बला हे नेम अफ द पोस्ट कौन पोस्टे नियोग हे कैटागरि बला हो टोटल वैकेंसि कत आते कत पार्सेंट छाड़ पाच मेन ओवेंडा और पे स्केल कत आने मेन्शन कर प्रथम बार हे एएसआई डीएम ग्रेड थ्री पोस्टर टोटल शून्यपद आज एक एखे पे स्केल बढ़ा हाँ उन्त्रिस हज़ार दोशो टाका क्योंकि बिरानब्बे हज़ार तीन सौ टाका प्रति मासे वेतन तुम्हारा देव है दूनम पोस्ट बढ़ा हेड कन्स्टेबल कार्पेंटर यह पोस्टे चारटे शून्यपद आज है पोस्टे तुम्हारा पच्चीस हज़ार पाँच सौ टाका थेके एकाशी हज़ार एकशो टाका वेतन देव है तीन पोस्टे हेड कन्स्टेबल प्लाम्बर हेड कन्स्टेबल प्लाम्बर पदे दो शून्यपद आज है एखे क्योंकि एक ही वेतन देव है तपर आज कन्स्टेबल सुईमैन पोस्टर जो दो शून्यवाद आए एखे क्योंकि एकुश हज़ार सातशो टाका क्योंकि उनसत्तर हज़ार एकशो टाका वेतन दे है पर पोस्ट पाँच कन्स्टेबल जेनारेटर मेकानिक पोस्टे आठाशी शून्यवाद आए कन्स्टेबल जेनारेटर अपारेटर पोस्टे आज चौबीस शून्यवाद ठीक है एखे तुम्हारे एकाशी एकुश हज़ार सातशो टाका क्योंकि उनसत्तर हज़ार एकशो टाका प्रति मासे वेतन दे है एरपर पोस्ट आज कन्स्टेबल लाइनमैन पोस्टे क्योंकि तुम्हारा बला आज एगारोटी शून्यवाद आए एखे क्योंकि पे लेवल बला आज एकुश हज़ार सातशो टाका उनसत्तर हज़ार एकशो टाका ठीक है एखे बला आज देखो तुम्हारा आवेदन करते हैं एप्लीकेशन मोड तुम्हारा अनलाइन माध्यम एप्लीकेशन करते हैं ठीक है एप्लीकेशन अलरेडी शुरू हो गए एप्लीकेशन शुरू हार पर पैंतालिस दिन समय एप्लीकेशन करा तुम्हारा चाहिए सरसरि एप्लीकेशन करते पर देखा बला आज तुम्हें अवश्य क्योंकि जो तुम्हारा वैक्सीनेशन सबजेक्ट तुम्हारे देखते हैं ठीक है तुम्हारे एरपर देखे नब कौन कौन क्वालिफिकेशन आए कौन पोस्टर जो की क्वालिफिकेशन प्रयोजन प्रथम चले आसब हमें एएसआई डीएम ग्रेड थ्री पोस्टर जो आवेदन करते गए तुम्हारा माध्यमिक पास को देखते हैं डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्टमैन डिप्लोमा करा थे अथवा जदि तुम्हारे वोकेशनल ट्रेनिंग करा थे तुम्हारा आवेदन करते ठीक है तब डिप्लोमा इन सिविल थे तुम्हारा क्योंकि अग्राधिकार पे जा सिविल सिविल इंजिनियरिंग जो तुम्हारे डिप्लोमा थे क्योंकि तुम्हारा अग्राधिकार पे जा दो नम्बर पोस्ट पाँच हेड कन्स्टेबल कार्पेंटर हेड कन्स्टेबल कार्पेंटर पोस्ट आवेदन करते गले माध्यमिक पास कर देखते हैं तरह से पाँच सर्टिफिकेट इन ट्रेड अफ कार्पेंटर अफ थ्री इयार्स एक्सपिरियंस मैंने तुम्हारा ट्रेड सर्टिफिकेट थकते हैं तीन बचर अभिज्ञता थकले क्योंकि तुम्हारा कार्पेंटर पोस्ट आवेदन करते तीन नम्बर पोस्ट पाँच हेड कन्स्टेबल प्लाम्बर हेड कन्स्टेबल प्लाम्बर पोस्टे क्योंकि तुम्हें अवश्य माध्यमिक पास कर देखते हैं तरह से बला हे सर्टिफिकेट इन ट्रेड अफ प्लाम्बर अब थ्री इयार्स एक्सपिरियंस मैं तुम्हें प्लाम्बर ओपर सार्टिफिकेट थे और तरह से क्योंकि तीन बचर अभिज्ञता थकते हैं एरपर पोस्ट पाँच चार नम्बर कन्स्टेबल सुईमैन पोस्टे आवेदन करते गले तुम्हारे एखे माध्यमिक पास को देखते हैं और सुईमैन ओपर एक्सपिरियंस थकते हैं क्योंकि कोकम सरि एक्सपिरियंस थकते हैं निर्दिष्ट ट्रेडे सार्टिफिकेट थे क्योंकि तुम्हारा एप्लीकेशन करते पाँच नम्बर पोस्ट पर कन्स्टेबल जेनारेटर अपारेटर सरि यह पोस्टे आवेदन करते गले माध्यमिक पास को देखते हैं और तरह से बला हे इलेक्ट्रॉनिक और वायरमैन और डीजल मोटर मेकानिकर ऊपर जो तुम्हारे आईटीआई पास करा थे किंबा को वोकेशनल ट्रेनिंग ना थे जो सरकारी स्वीकृत प्रतिष्ठान थे क्योंकि तुम्हारा आवेदन करते छ नम्बर पोस्ट पड़ा कन्स्टेबल जेनारेटर मेकानिक पोस्टे आवेदन करते गले तुम्हारा अवश्य माध्यमिक पास को देखते हैं और तरह से बला हे एखे देखते डीजल मोटर मेकानिकर ऊपर जो तुम्हारे आईटीआई पास करा थे किंबा डिप्लोमा करा थे और तरह तीन बचर एक्सपिरियंस थे क्योंकि तुम्हारा आवेदन करते एरपर पोस्ट पाँच कन्स्टेबल लाइनमैन पोस्टे आवेदन करते गले तुम्हें माध्यमिक पास कर थकते हैं और तरह इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन एर ऊपर क्योंकि तीन बचर अभिज्ञता थकते हैं काज करार और तुम्हारे गर्व सरकारी स्वीकृत जो इन्स्टिट्यूट जो तुम्हारा डिप्लोमा आईटीआई कोर्स करा थको तुम्हारा एप्लीकेशन करते
এরপর দেখো বলা হচ্ছে তোমাদের এজ লিমিট কোন পোস্টের জন্য। দেখো এখানে এএসআই পোস্টে আবেদন করতে গেলে 18 থেকে 25 বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে। সরি, সবকটি পোস্টের জন্য কিন্তু 18 থেকে 25 বছর পর্যন্ত তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে, ঠিক আছে। এছাড়া সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যেটা যারা যেরকম বয়সের ছাড় পায়, মানে SC/ST 5 বছর, OBC 3 বছর, সেরকম কিন্তু বয়সের ছাড় তোমরা পেয়ে যাবে। এরপরে চলে আসবে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস, কীভাবে তারা অ্যাপ্লিকেশন করবে। এখানে বলা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট আর অ্যাডভাইজড টু লগ ইন, এখানে দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাড্রেস দেওয়া আছে http://react.bsf.gov.in, এই ওয়েবসাইটে এসে কিন্তু তোমরা সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। অ্যাপ্লিকেশন করার লাস্টে তোমাদের বলে দেবো আমি, তো যেহেতু এখনই এই অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়নি, নভেম্বরের 1-2 তারিখ থেকে কিন্তু এই রিক্রুটমেন্ট শুরু হচ্ছে এবং তোমাদের যখনই শুরু হবে তখনই কিন্তু তোমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি অলরেডি এই PDFটি দিয়ে রেখেছি। PDF লিঙ্ক তোমরা চাইলে কিন্তু PDF ডাউনলোড করে নিতে পারো, এবং তোমাদের সুবিধার্থে কি আমি ওয়েবসাইট লিঙ্কও দিয়ে রাখছি, তোমাদের সুবিধার্থে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। এবং এই পোস্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে কিন্তু তোমাদের কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশন ফিস জমা দিতে হবে না, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। তো যদি তোমরা ইন্টারেস্ট থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, যখনই রিক্রুটমেন্ট শুরু হয়ে যাবে তখনই কিন্তু তোমাদের সামনে নতুন ভিডিওর মাধ্যমে চলে আসবো এবং তোমাদের দেখিয়ে দেবো কীভাবে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করবে। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই, ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে।